एवरीवन, वालेकुम सलाम ओके। सो जो लास्ट टाइम असाइनमेंट दी थी उस पे किसी ने काम किया? मैम। वो देखी थी मगर समझ नहीं आ रही थी। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर, यस। डू यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके ओके, यस, बट यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट आस्क्ड। दैट्स गुड। चले, अभी मैं वैसे प्रेजेंट के लिए किसी कहूँगी नहीं, बिकॉज ये एक जिन लोगों ने नहीं अभी खोल के देखा तो उनके लिए ये कि वो मैंने एक डाटा कैम के कंपटीशन का लिंक है, सो इट विल बी एन एंट्री फॉर यू टू एक्चुअली कम्पीट फॉर दैट कंपटीशन, और उसमें भी डेडलाइन का टाइम है। सो मैम यस, कॉलेज के बारे में जो आपने जो शेयर किया हुआ है तो उसकी बात करेंगे। जो मैंने गूगल क्लाउड पे असाइनमेंट एक असाइनमेंट के नाम से बनाया था, डाटा डाटा कैम का एक आपने लिंक इधर है। यस, लिंक भी शेयर किया था इधर स्लैक में असाइनमेंट शीट, हाँ जी 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 लेकिन मैम बिल्कुल। ये तो खुलता ही नहीं। कितने रूम का नहीं खुला था? ओके, नहीं और बाकी सबने देखा था खोल के? मैम, नूड आपकी साइड पर खुल गया था? होता। यस मैम खुल गया था। यस, ओके। सो आई थिंक कि कुछ लोगों का प्रॉब्लम था, आई डोंट नो ये क्या इशू है, बिकॉज हाफ पार्टिसिपेंट्स का खुल जाता है, बाकियों का नहीं भी खुलता है, एंड आई नो कि काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भी लेके भेजे थे। चलें, इसको देखती हूँ, फिक्स करती हूँ मैं फिर। आई थिंक कुछ लिंक का इशू ही हो गया होगा, दोबारा से शेयर करना पड़ेगा। एनी हाउ, बट वो एक डाटा कैम के स्कॉलरशिप का ही लिंक था, एंड आई डिड वॉन्ट एवरी वन, जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट है, तो वो सब ही उस कंपटीशन के लिए इनरोल करें। और अभी मैं प्रेजेंट करने के लिए इसलिए नहीं कहूँगी, बिकॉज हर एक ने उस कंपटीशन के लिए अपने अपने हिसाब से सारी बात उन चीज़ों को सॉल्व करना है, एंड दैट विल बी योर यूनिक एंट्री फॉर दैट कंपटीशन। तो एटलीस्ट द लीस्ट यू विल गेट इज दैट कि आपको नॉलेज मिल जाएगी, और अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे उसमें थोड़ा सा, तो डेफिनेटली यू विल गेट द स्कॉलरशिप फॉर डाटा, फॉर यू नो एनहांसिंग योर डाटा लिटरेसी। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी आई बिलीव, सो आप सबको अप्लाई करना चाहिए, इसलिए मैंने असाइनमेंट पर ही वो चीज़ डाल दी ताकि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ओके, और इसके अलावा किसी प्रोजेक्ट पे असाइनमेंट के अलावा किसी ने काम किया हो? मैम मशीन लर्निंग के किस प्रोजेक्ट यस, मैंने तो अभी नहीं किया। ओके। चलें, अभी वैसे हम लोगों ने थ्योरी पढ़ रहे थे, राइट? सो ऐसा ऐसा जब हम जंप करेंगे कोड पे, और आज हम क्लास में भी थोड़ा सा कोड करके देखेंगे, सो आई थिंक के देन यू विल हैव योर हैंड्स ऑन द प्रैक्टिस ऑन द कोड ऑफ इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आज हमने जो देखना है वो सिर्फ सिंपली फीचर इंजीनियरिंग है। कल लास्ट टाइम तक हम लोगों ने रिग्रेशन क्लासिफिकेशन तक की चीज़ें पढ़ी थी, इसके अंदर के सुपरवाइज मशीन के लर्निंग के अंदर कैसे हैं, कितनी टाइप्स हैं, सुपरवाइज में क्या हो रहा होता है, क्लस्टरिंग है सुपरवाइज में, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हो रहा होता है, ठीक? और उसके स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें देख ली थी कि मैट्रिक्स वगैरह क्या है, स्कोर्स देख लिए थे। आई होप वो चीज़ें सब क्लियर है, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होना कि कैसे कौन सा और किस बेस पे निकल रहा होता है, ठीक है? तो और हमारे यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि हम क्योंकि हमें पता है कि हम 100% एक्यूरेसी अचीव नहीं कर सकते, 100% हमें सही आंसर नहीं दे रहा होगा मॉडल कभी भी, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम फिर इस चीज़ पे देखें कि हम किस चीज़ पे फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पहले ही वो चीज़ वो थ्रेशोल्ड सेट करके रखें, ठीक
ठीक, जैसे हमने देखा था कि कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं कि जिसमें हम फास्ट पॉजिटिव का चांस नहीं ले सकते, कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ चले वो ये स्पैम हमारा इनबॉक्स में आ जाए, मगर इनबॉक्स सारा स्पैम में ना जाए। और कुछ ऐसे हैं कि जिसमें हमें कहते हैं कि बेशक फ्रॉड जो नॉर्मल है वो बेशक फ्रॉड के तौर पे डिटेक्ट हो जाए, लेकिन फ्रॉड कभी भी एज अ नॉर्मल वो डिटेक्ट ना करे, फ्रॉड डिटेक्ट करते हुए कोई गलती ना, बिकॉज ये केस टू केस वेरी करता। सही, ओके। सो अब जो बिफोर एक्चुअली स्टार्ट डूइंग मॉडलिंग स्टेप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डाटा को फिर प्री प्रोसेस बड़ा अच्छा करें, क्योंकि अपनी तरफ से तो हमने जारी पता कोशिश करनी कि डाटा क्लीन भी हो, प्री प्रोसेस अच्छे तरीके से हो। ठीक है, तो जो हम मॉडल्स मॉडल को फीचर्स दे रहे हैं, हमने इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से पढ़ा था कि जो फीचर्स हम दे रहे हैं इट इफेक्ट्स द एक्यूरेसी एंड यू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। ठीक, तो जी वो जो लिंक है कंपटीशन का वो मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी स्लाइड में, बिकॉज कुछ लोगों की गूगल का वो नहीं ओपन हुई थी, सो आई थिंक दैट विल हेल्प। ओके, सो इसमें जैसे एक मॉडल जब आप यूज कर रहे होते हैं ना, तो एक बहुत ही कॉमन एक फ्रेज यूज होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट का जो फ्रेज यूजली लोग यूज करते हैं मॉडल मशीन लर्निंग में, वो यही है कि आपने डाटा किस हिसाब का दिया, उसकी क्वालिटी क्या है, तो उसी पर डिपेंड करेगा कि मॉडल फिर आपको आगे से कैसा रिजल्ट देता है। तो अगर आपने गार्बेज डाटा दे दिए, मतलब कि क्वालिटी अच्छी नहीं है डाटा की, तो फिर रिजल्ट भी आप अच्छे इवन के आगे एंड तक जितने भी स्टेप्स हैं वो आप अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सही, तो फीचर इंजीनियरिंग बेसिकली एक कह लें कि एक जब हम लोग ईडीए कर देते हैं और अपना स्पेशली सबसे पहले हमने डाटा क्लीन किया, फिर उसके बाद ईडीए शीडीए करके उसके बाद हम जब प्री प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं मशीन लर्निंग के लिए, तो उसमें एक बहुत ही मेजर एक का रोल है फीचर इंजीनियरिंग का। तो फीचर इंजीनियरिंग एज इट्स नेम शोज, फीचर इंजीनियरिंग एंड सिलेक्शन, तो ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत सारे मतलब यूज केसेस हो सकते हैं इसके अंदर। फीचर इंजीनियरिंग करते हुए बेसिकली हम फीचर्स को न्यू फीचर्स को क्रिएट भी करते हैं, ठीक, ताकि मशीन लर्निंग के मॉडल्स को एनहांस किया जा सके। कैसे, जैसे हमने क्लास एग्जांपल पढ़ी थी कि हमें हमारे पास एक वेट का कॉलम है एक हाइट का कॉलम है, तो बजाय इसके कि हम वो दो अलग कॉलम्स दें, तो हम एक बीएमआई का कॉलम बनाते हैं बॉडी मास इंडेक्स का, और वो इन दोनों कॉलम्स में से जो डाटा हमारे पास वेट और हाइट का होगा तो उसकी रेशियो बीएमआई है, तो हम बीएमआई का ही एक कॉलम ऐड करने बजाय इसके कि दो कॉलम्स दो फीचर्स दे रहे हो। तो इस तरह से प्रॉब्लम को भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया और मॉडल की भी एफिशिएंसी इस तरह से इंक्रीज होगी। या फिर हम बहुत सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं कि जिसपे हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकें, उनकी वैल्यूज को स्केल अप कर सके, स्केल कर सकें किसी एक मतलब पर्टिकुलर स्केल के अंदर ही लेके आ जाए उन वैल्यूज को। कैसे होगा ये भी हम आगे देखेंगे, मल्टीपल मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उससे पहले ही हम फीचर इंजीनियरिंग में उनको मतलब के मॉडिफाई कर देते हैं। सही, और इसका बेनिफिट क्या है कि हमें जो है ना इसकी आगे वाले स्टेप्स आसान हो जाते हैं, कि जब हम मॉडल फीचर इंजीनियरिंग के बाद मॉडल की ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन करते हैं, डिप्लॉयमेंट और मॉनिटरिंग, ये सारे स्टेप्स फिर इजी हो जाते हैं अगर हमने फीचर इंजीनियरिंग की हुई है। और इसके अलावा ये कि हम इससे मॉडल की जो परफॉर्मेंस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग दिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो नॉर्मलाइजेशन का एक टेक्निक मतलब के जो फीचर इंजीनियरिंग की दो दो तीन टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, दो हैं इसमें फिलहाल के लिए, वही देखेंगे कि एक नॉर्मलाइजेशन का आपने वर्ड पढ़ा होगा, एक स्टैंडर्डाइजेशन का वर्ड पढ़ा होगा, राइट, अक्सर कभी सुना होगा। ठीक है ना, तो नॉर्मलाइजेशन क्या है और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, ये दोनों फीचर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं। ठीक, जिसमें हम फीचर को मॉडिफाई कर रहे हैं और उसको ताकि वो जो मॉडल हम अप्लाई करें तो उसके एक तो मुताबिक हो सके, कंपेटिबल हो सके और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मलाइजेशन के केस में क्या होता है कि ये जितने भी फीचर्स हैं उनको 0 और से 1 तक के स्केल में कर देता है। ठीक, अभी हम करके भी देखेंगे तो हम आइडिया के साथ 0 और 1 के स्केल में उसने न्यूमेरिक फीचर्स जितने भी होंगे ना न्यूमेरिक फीचर्स पे अप्लाई होगा, ठीक, और उनके फीचर्स को 0 से 1 तक के स्केल में कर देगा, और ये इस चीज को इंश्योर करता है, मतलब एक ही जैसा स्केल होने का मतलब ये है कि कोई एक फीचर जो है ना वो डोमिनेट ना करे अपनी रेंज की वजह से।
ठीक। और ईस्ट का फायदा किन मॉडल्स में होता है, जो कि मतलब ऐसे एल्गोरिथम्स जो कि सेंसिटिव होते हैं कि इनपुट का स्केल कितना है, जैसे कि कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जैसे जो के नियरेस्ट नेबर मॉडल हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, KNN, या फिर जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक। तो ये वाले जो मॉडल्स हैं ये एक्चुअली डिपेंड करते हैं स्केल पे भी, कि फीचर्स के जो स्केलिंग है स्केल वो कितना जितने भी इनपुट है, ठीक। तो इन दैट केस जो ये नॉर्मलाइजेशन है वो क्या करती है, जो सारे फीचर्स को 0 से 1 में कर देगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एज का कॉलम है तो उसमें जो वैल्यूज हैं अगर वो रेंज कर रही हैं 10 से 100, दूसरा एक कोई और प्रॉफिट या कुछ ऐसा कॉलम है तो उसकी वैल्यू रेंज कर रही है कुछ 1 के से 100 के समथिंग लाइक दैट। तो अब वो जो रेंज है उससे उस पे इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, इसकी रेंज कम है, और इस तरह से कर करके जब सारे वो रेंजेस देखेगा कि फीचर्स जो हम फीड करवा रहे हैं उन सबकी डिफरेंट होगी, तो जो सा फीचर की रेंज ज्यादा होगी तो KNN या न्यूरल नेटवर्क जैसे मॉडल है ना वो इससे इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक। तो बजाय इसके कि हर एक की वैल्यू हम हर एक को 0 से लेके 1 तक स्केल में फिट कर दें और फिर उसके बाद उनको फीड करवाएं, ठीक। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमने सिंपल ये हमारे लिए फ्यू लाइंस ऑफ कोड्स हैं जिनको हमने यूज करना है, ठीक। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसक्यूएल से मॉडल सेक्शन लाइक करके इंपोर्ट हमने करना है टेस्ट एंड स्प्लिट, विच इज लाइक हमें सब शुरू में ही मॉडलिंग करते हुए हम करते हैं कि टेस्ट एंड स्प्लिट कर दी, ठीक। उसके बाद जो ये मेन काम है यहाँ पे कि नॉर्मलाइजर कोई भी इम्पोर्ट करेंगे एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग से, नॉर्मलाइजर इम्पोर्ट किया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे नॉर्म इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ये अगेन वैसे ही लाइक उसको इनिशिएट किया, ठीक है, नॉर्मलाइजर को अपने, ठीक है, उसके नॉर्म के ऑब्जेक्ट में, और फिर उसके बाद लेटर ऑन नॉर्म के ऑब्जेक्ट में फिर ट्रांसफॉर्म करके अपने वो जो डाटा जिसको हमने जो भी हमारा ठीक है टेस्ट सेट होगा, ठीक है, उस पर अप्लाई कर देना है, राइट। तो इसके रिजल्ट पे हमें एक नॉर्मलाइज्ड डाटा फ्रेम मिल जाएगा, और टेस्ट ट्रेन स्प्लिट हम पहले कर रहे हैं ताकि डाटा लीकेज ना हो, यानी कि पहले ही ये ना हो कि हमने बाद में मॉडल अप्लाई करें या बाद में कोई चीज अप्लाई करें, तो टेस्ट ट्रेन स्प्लिट अगर हमने पहले नहीं की होगी तो ये चांसेस हैं कि जो मॉडल है वो टेस्टिंग डेटा को भी देख लें, यानी जो हमने आंसर उससे छुपाए हुए हैं अनसीन करने के लिए वो पहले ही अगर वो देख लेगा टेस्ट ट्रेन स्प्लिट नहीं हुआ होगा तो फिर वो लाइक हमारी प्रिडिक्शन का हमें फिर आइडिया नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसने देख लिए होंगे आंसर्स, ठीक। तो स्टैंडर्डाइजेशन अब नेक्स्ट टेक्निक है, नॉर्मलाइजेशन के लिए इतना ही था सिर्फ। स्टैंडर्डाइजेशन भी एक फीचर इंजीनियरिंग की एक दूसरी टेक्निक है। इसमें क्या है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन के तो 0 से लेके 1 तक के स्केल में कर देते थे, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन इसको लाइक इसमें क्या होता है कि डाटा को मीन जो है उन सबका 0 और वेरियंस 1 कर देंगे। तो ऐसे एल्गोरिदम्स जो कि ये ज्यूम करते हैं कि जितने भी इनपुट फीचर्स हैं वो 0 के अराउंड ही हों और उनका वेरियंस भी एक सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। तो उनके लिए स्टैंडर्डाइजेशन अगर हमने आगे वो एल्गोरिदम यूज करना है तो पहले हम फिर डाटा में स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई कर देंगे फीचर इंजीनियरिंग के लिए। अब जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये किन एल्गोरिदम्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, जैसे जो स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स थी, ठीक है, जो क्लासिफायर्स थे, और इसके अलावा जो लीनियर रिग्रेशन टाइप के जो मॉडल्स हैं, ठीक, लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो एल्गोरिदम है, ठीक है, इस तरह के एल्गोरिदम्स में स्टैंडर्डाइजेशन हेल्पफुल है ज़्यादा, बिकॉज ये जो मॉडल्स हैं ये इस चीज़ को ज्यूम करते हैं कि जितने भी फीचर्स आपने दिए हैं वो सारे 0 के अराउंड हैं सेंटर्ड, और उनकी वेरियंस भी आपस में मतलब इसी एक एक ही जैसी रेंज में है, ठीक है। सो इसको करने का भी तरीका लाइक सेम ही है कि जैसे स्प्लिट द डाटा को स्प्लिट किया, ओके। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको कि स्प्लिट डाटा स्प्लिट किया, फिर उसके बाद स्केलर और ऑब्जेक्ट एक बना दिया, स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पे यूज किया, ठीक। उसके बाद उसको फिट करवाया अपने जो ट्रेनिंग डेटा सेट था, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म किया एक्स टेस्ट को, ठीक है। तो इस तरह से जो टेस्ट डेटा है नहीं हमारा वो स्टैंडर्डाइज हो गया, यानी हमें अब जो वैल्यूज आएंगी वो जो हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज वर्जन ऑफ डाटा में जो हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है।
जिसको हम लेटर ऑन यूज कर सकते हैं। तो अब सर हाशिर आप क्या कह रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल? जैसे ओवरफिटिंग की एग्जांपल आप बता रहे थे, जैसे तो मैं कह गया, मुझे एग्जांपल मिली गई कि अगर हम उसको डेटा देते हैं और उसके अंदर जो सारे जो एक्सपेंसिव हाउसेज हैं उनके डोर्स अगर ग्रीन है, हालांकि ये फीचर कोई ऐसा नहीं है कि उस पर इंसार होना चाहिए उसको, मतलब कोई फैक्टर नहीं है, अगर डोर से अगर ग्रीन है तो उसको एक्सपेंसिव होना चाहिए, लेकिन हमने उसको दे दिए डोर से अगर ग्रीन जो एक्सपेंसिव है, तो उसने ये ट्रेन अपने आप करा लिया कि भाई जो ग्रीन ग्रीन रोड्स हैं वो एक्सपेंसिव होंगे। तो इस तरह अगर कोई ऐसा ग्रीन ऐसा घर जो ओवरऑल जो सस्ता होगा लेकिन उसके जब डोर्स ग्रीन होंगे तो वो उसको भी एज एन एक्सपेंसिव हाउस बताएगा। तो ये उसकी ओवर फिटिंग की एग्जाम्पल मैं जो ढूंढी थी, मैंने कहा यहाँ के पे उसके दूंगा ताकि पढ़ लो सारा। ओके, दैट्स अ नाइस एग्जांपल। और इसमें यानी ये भी है कि ऐसे फीचर्स जो कि डायरेक्टली हमारे टारगेट वेरिएबल से रेलेवेंट नहीं भी इतने बनते, तो हम उनको अवॉइड करें, राइट? जी ये फीचर्स में हम इसको फिर एक्सक्यूज कर दें, इसको जीरो बना करें यस यस यू आर और भी राइट अच्छा ट्रेन हो जाएगा उससे। जी। यस यस दैट्स अ नाइस एग्जांपल, थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल है कि मतलब कि हमारे जो फीचर्स हैं, अगर हम कोई इरेलेवेंट साथ दे देते हैं जिसका, आप जैसे डोर का कलर क्या होगा, हमें पता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर अगर दरवाजे के घर के अंदर कलर क्या हुआ हुआ है, उसका उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं आता वाकई। तो लेकिन अगर उस डाटा के अंदर वो फीचर रहा था और फर्ज करें कुछ ऐसा पैटर्न भी था कि डाटा मॉडल ने लर्न कर लिया कि जो जो उनसे फाके तौर पे भी हो सकते हैं कि जो हमने डाटा में दिया, ज्यादातर उसमें हाउसेज ऐसे हैं कि जिनका डोर का कलर ग्रीन था और जो बाद में मतलब कि और उनकी प्राइस भी ज्यादा थी, ठीक, तो हो सकता है कि वो ये पैटर्न लर्न करके ये समझे कि शायद यही मतलब कि ये इस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है के मॉडल की जो जो हाउस की प्राइस है या किसी भी प्रॉपर्टी की प्राइस है वो इस बात पे भी डिपेंड कर रही है। तो जहाँ पे भी फिर हम बाद में टेस्ट डाटा में उसको दें तो ग्रीन वाला होगा तो वो समझ ग्रीन डोर समझ के तो उसको प्राइस को ज़्यादा प्रिडिक्ट कर देगा, ठीक। तो हाल दो के ग्रीन डोर्स का हमारे लिए कोई इतना काम नहीं है, हमें पता है कि उसकी इतनी कोई खास वैल्यू नहीं है, ठीक है, कि कलर क्या। सो इस तरह से भी हम लोगों ने खुद जज करके फीचर्स जो हैं वो साइन करने होते हैं ताकि मॉडल को लाइक जो ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, वो सारे लाइक फिर इस तरह से क्या होगा कि वो वरना कंफ्यूज होगा तो डेफिनेटली उसकी प्रोडिक्शन भी हम लोगों ने इन्फ्लुएंस कर दी है, जैसे इस एग्जाम्पल में हुआ है, ठीक, जो सर ने बताई है। ऑल राइट, सो इस तरह से हमने स्टैंडर्डाइजेशन भी कर ली। तो फीचर इंजीनियरिंग में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फीचर स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन, राइट। तो ये दो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स देख ली हैं, एंड इट डिपेंड्स कि हम मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। यस सर, मैम, ये स्टैंडर्डाइजेशन इनके मॉडल पे बेस करेगा, यानी कि जो मैं समझा नॉर्मलाइजेशन उधर इस्तेमाल होगा जिधर अनसुपरवाइज जो मॉडल इस्तेमाल करेंगे, और स्टैंडर्डाइजेशन वहाँ यूज करेंगे जिधर जो है वो सुपरवाइज्ड मॉडल्स इस्तेमाल करेंगे। एम आई राइट? इस तरह की डिस्टिंक्शन तो नहीं है हमने अभी देखी, ठीक है, कि सपोर्ट हम जो स्टैंडर्डाइजेशन है लाइक इसमें आपको शायद वही इस एग्जांपल से लग रहा होगा, लाइक हो सकता है कि लाइक, लेकिन इसमें अभी फिलहाल के लिए पर्टिकुलर ऐसा अभी फिलहाल मैंने कुछ नहीं बताया कि कौन से पर्टिकुलर टाइप है। मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ कि कौन से मॉडल्स हैं जो कि स्टैंडर्डाइजेशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन से मॉडल्स हैं जो कि ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन जिन पे अप्लाई होती है, मतलब उनकी अजम्पशन पे बेस्ड है। अब जैसे हमने प्रिडिक्ट करना है टारगेट वेरिएबल और मुझे पता है कि मैं इस पे बेस्ट फिट जो है उसके हिसाब से कोई मॉडल ये है, ठीक है, मेरे केस सिनेरियो में फॉर एग्जाम्पल वो मैं इसमें प्योर वेक्टर मशीन्स यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, तो मैं फिर लेटर ऑफ कोर्स उस पर स्टैंडर्डाइजेशन प्रेफर करूंगी, ठीक। तो मतलब क्योंकि ऐसे मॉडल्स जो कि ये अज्यूम कर रहे हैं कि मतलब हर एक, जैसे हमने स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह भी पढ़े थे, हमें पता है कि हर एक टेस्ट भी अप्लाई करने की कोई ना कोई अजम्पशन होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि पैरामीट्रिक टेस्ट है तो उसकी अजम्पशन ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगी डाटा की, लेकिन अगर हम नॉन नॉर्मल भी देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है तो आंसर तो हमें दे रहा है, लेकिन हमने उसकी बेसिक जो अजम्पशन है
उससे ही हमने मतलब कि डेविएट कर दिया था पहले ही, ठीक, तो डेफिनेटली वो टेक्निकली इट विल बी रॉन्ग। सो इसी तरह से मॉडल्स भी जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो उनके अगर कुछ स्पेसिफिक एजम्पशन है, जैसे कि हमने देखा कि स्पॉट वेक्टर मशीन या लीनियर रिग्रेशन जैसे मॉडल्स हैं, तो ये अज्यूम करते हैं कि जो फीचर्स हमने इनको दिए हैं ना लर्न करने के लिए, तो वो भी सेंटर्ड है जीरो के अराउंड और वेरियंस उनका तकरीबन मतलब सेम ऑर्डर में होता है, सही। तो इस चीज़ को फिर मेक श्योर करने के लिए कि वाकई ही ये हो, ठीक, तो हम फिर मीन जीरो और ये स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे, ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करेंगे। मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे यस कि आपने जो पहले हमें बताया था, मुझे उससे कंफ्यूजन हो रही है कि पहले आपने जो बताया था कि हम जो डेटा को ट्रेन और टेस्ट में जो है उसको स्प्लिट करते हैं, तो बाद में जब मॉडल लगाते हैं तो फिर उसमें जो है ना उसमें मॉडल में ही ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करते हैं, और बाद में जो है ना जो टेस्ट होता है उसमें हम उसको देखते हैं कि इसकी टेस्टिंग इसने किसने लर्न किया है, इसने टेस्ट डेटा देखा। यस तो मैं ये समझ लगी, तो ये जब ये जो प्रोसीजर होता है इनको, ये भी मुझे काइंडली बता दें कि ये फीचर इंजीनियरिंग अगर काइंडली मैंने मिस किया है इसका क्या फायदा है, या फिर ये प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है, ये दोनों चीजें फीचर इंजीनियरिंग वगैरह ये वाली स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन। ओके, जो टेस्ट ट्रेन स्प्लिट है ये तो हमें पता है कि ये जनरल वर्कफ्लो में था ना मशीन लर्निंग के, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट डाटा को स्प्लिट कर रहे हैं और यहाँ पे वो सिंपली बस यहाँ पे मेन जो काम हम देख सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड स्केलर उसने फिट किया यूज किया है, ठीक है, उसने यहाँ पे ठीक टेस्ट ट्रेन स्प्लिटिंग उसने पहले क्यों की है, ताकि न्यूट्रॉन लाइक वो डाटा को जो ट्रेनिंग वाला उसी को यूज कर सके और लादा से टेस्ट एक्स टेस्ट को और एक्स ट्रेन को, राइट। सो सिंपली लाइक अभी के लिए इसको इसी तरह ही रखे कि हाँ हमने स्टैंडर्डाइजेशन में इसको यूज किया है, ठीक है, लेटर ऑन हम जो ये डाटा होगा फिर लेटर ऑन इस पर मॉडल अप्लाई करेंगे जो हमारे पास अब स्टैंडर्डाइज डाटा आ गया। अच्छा, तो वो यानी को प्री प्रोसेसिंग का ही काम है ये वाला फीचर इंजीनियरिंग, यस यस हाँ जी इसको, हाँ जी इसी डाटा इसी के अंडर आता है। यस डाटा प्री प्रोसेसिंग, तो जिसमें हम यस डाटा वगैरह क्लीन वगैरह करते थे हाँ हम उसमें। डाटा जो क्लीनिंग है ना वो ज्यादा वो डेफिनेटली हम वो तो हमें वो ईडीए के लिए और डाटा एनालिसिस के लिए भी चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन जब हम फीचर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर हो जाता है कि मशीन लर्निंग से पहले हम उसका मॉडल अप्लाई करने से पहले उसको पहले प्रिपेयर कर रहे हैं। यस सर हाशिर यू हैव अ क्वेश्चन? नहीं, मैं सो गलती से हो गया, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके, सो बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग इज पर्टिकुलर फॉर मशीन लर्निंग के हम लोगों ने अप्लाई करने से पहले, ये भी प्री प्रोसेसिंग है मशीन लर्निंग से पहले कि हमने मॉडल अप्लाई करने से पहले उसको देख लिया कि क्योंकि हमें पता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो हम गार्बेज कोई ऐसा ऐसा वेरिएबल नहीं देना चाहते, या फिर हम हमारे जो वेरिएबल्स हैं जो हमने पता है कि हमने एज अ फीचर देने हैं तो हम उनको जो मॉडल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर लें पहले, फिर उसके बाद उसको फीड करवाएं। ओके सो अभी बता भी रहा कि वही सेम चीज़ के गुड फीचर होता क्या है, ठीक है, एक व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ गुड फीचर, कि एक तो ये कि हम जो फीचर्स ले रहे हैं मॉडलिंग में वो सारे रेलिवेंट हो, फॉर एग्जांपल इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम पहले भी देख चुके हैं। अब जैसे हार्ट डिजीज का ही डाटा सेट है, हार्ट डिजीज की प्रोडिक्शन का, उसमें उन्होंने जब जिस दिन कोई मेयरमेंट ली है, ठीक है, तो उसके बारे में ये भी बताया हुआ है कि उस दिन वेदर वेदर क्या था अपॉइंटमेंट के दिन। अब वो जो वेदर है वो तो इस चीज़ की प्रडिक्शन नहीं कर रहा कि हार्ट डिजीज होगी कि नहीं होगी पेशेंट को, तो लिहाजा वो एक इररेलेवेंट फैक्टर है, ठीक है, हमने वो डिलीट कर दिया। इसी तरह से हम प्रेफर करते हैं कि हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया हुआ कि जो हाईली कोरिलेटेड फीचर्स हैं हम उनमें से भी एक लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होता है, ठीक है, जो एक ही जैसे मिलते जुलते फीचर्स हैं या फिर सिमिलर फीचर्स हों उनको भी हम निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये हो सकती है कि जैसे हाँ जैसे मंथ हमने एक कोई एज का कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, तो एक में ईयर्स के हिसाब से एज दिए और एक के अंदर मंथ के हिसाब से एज दिए, दो कॉलम्स दिए हुए हैं, तो अब उन दोनों कॉलम्स का फायदा नहीं है, ठीक है, तो हम एक ले सकते हैं कॉलम उनमें से कोई भी, ठीक, तो दूसरे वाले को हम ड्रॉप कर देंगे जो हमारा मतलब कि
दो एक जैसे सेम कॉलम एक ही जैसे मीनिंग देनी है, तो बेसिकली हम इसमें प्रेफर करते हैं कि जो हम जो एक डिफरेंट हर हर जो फीचर हम दे रहे हो यूनिक हो, ठीक है, एक दूसरे डिफरेंट हो, या ऑर्थोगोनल कवर्ड हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, एक जैसे ना हो फीचर्स. सो ये गुड फीचर्स की एग्जांपल है जो कि हम फीड करवा सकते हैं मशीन लर्निंग को, राइट. फिर उसके बाद एक जो फीचर सिलेक्शन का एक टूल भी है एसक्यूएल लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, जो कि एक टूल बॉक्स है कहने के, जो जितने भी सिग्निफिकेंट होते हैं ना वेरिएबल्स, जो फीचर्स हैं उनको सिलेक्ट करता है, और जो रिडंडेंट वाले फीचर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनको रिमूव कर देता है, ठीक. और इसके अंदर भी लाइक हमने ये जो प्रॉपर वो जो हम पहले कर रहे थे जो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वो हम जस्ट फीचर इंजीनियरिंग के लिए पहले वो जस्ट उसको स्प्लिट कर रहे थे, और फिर लेटर ऑन उसमें स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर रहे थे. ये वो मतलब कि जो ओवरऑल मैं बता रही थी ना टेस्ट ट्रेन स्प्लिटिंग, बेसिकली वो ये हमने मतलब पहले भी कोड देखा है कि जिसमें एक्स की वेरिएबल और वाई दोनों वेरिएबल्स के लिए वो टेस्ट और ट्रेन में स्प्लिट कर रहा होता है, ठीक. तो यहाँ पे सो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आप इसी में कंफ्यूज हुए होंगे कि वो वैसे लिखा हुआ है, पर यहाँ पे बेसिकली वो जो हम कर रहे थे स्प्लिटिंग, वो हम स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन से पहले कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम ये बेसिकली ज्यादा हम जैसे मैं बता रही थी कि टेस्ट एंड स्प्लिटिंग डाटा लीकेज को अवॉइड करने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे वही है कि डाटा लीकेज क्या है पर्टिकुलरली कि हम जब लेटर ऑन मॉडल अप्लाई करेंगे तो उसमें एज इट इज अगर हम पूरा ही डाटा दे देते हैं और उसमें टेस्टिंग वाला सपोर्ट नहीं करते, तो क्या होगा कि वो उसने इसका मतलब ये कि मॉडल ने जो जो अनसीन आंसर्स थे वो तो उसने देख लिए जो हमने पहले टेस्ट करने के लिए सोचे हुए थे, ठीक. तो इसलिए टेस्ट एंड स्प्लिटिंग जरूरी है. फिर उसके बाद हम फीचर सिलेक्शन का उसमें यूज करते हैं, ठीक है. तो फिर लाइक उसमें मतलब के जो भी हमने मॉडल यहाँ पे लगाया फिट किया, और उसके बाद फीचर्स जो सिलेक्शन थे जो और इसमें वो अप्लाई कर दिया, ठीक है. ओके सो इसमें अगर आप इसके कोड को देखें तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज हुई हैं. अच्छा, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यहाँ पे क्यों यूज हुआ हुआ है? बेसिकली जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है वो भी हर फीचर को जो है ना देखता है कि टारगेट वेरिएबल जो हमने प्रिडिक्ट करना है उसके साथ इसका कितना जो है वो क्या कितनी रेलिवेंसी बनती है, ठीक है. तो क्योंकि हम यहाँ पे फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक, कि हम देखना चाह रहे हैं कि जो से रेलिवेंट है या नॉन रिडंडेंट, यानी कि जो यूनिक वेरिएबल फीचर्स हैं सिर्फ वही सिलेक्ट हो, तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफाई क्या करता है कि उन फीचर्स को रिमूव कर देता है जो कि टारगेट वेरिएबल की प्रडिक्शन से रेलिवेंट नहीं है, इतने उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहे. और जो प्रीफिक्ट है हमने उसको यहाँ पे इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है, ठीक. तो प्रीफिट इक्वल टू ट्रू बेसिकली ये बताता है सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल के लाइक इसमें कि जो मॉडल है वो ऑलरेडी फिट हुआ हुआ है, यानी हमने ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर वगैरह लगा के फिट कर दिया हुआ उसे, ठीक. तो इसमें प्रीफिट इज इक्वल टू ट्रू कह दिया, ठीक. उसके बाद हमने नेट्रॉन यहाँ पे एनी हाउ इसमें अच्छा एक दो और चीज़ें भी हैं, जैसे ये हमें -1 लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये एन जॉब इक्वल टू -1 जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में पैरामीटर हमने पास किया है, तो ये बेसिकली अलाउ करते हैं कि जितने भी मशीन के प्रोसेसर्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाए कंप्लीटली लाइक जल्दी से लाइक उसको प्रोसेस करने के लिए. तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में एन जॉब्स इज इक्वल -1 लिखने का मकसद ये है कि वो जितने भी अवेलेबल प्रोसेसर्स हैं हमारी मशीन में उनको यूटिलाइज कर दे. इस तरह से जो क्लास वेट है उसको बैलेंस लिखना है, तो क्लास वेट बेसिकली क्या कर रहा है कि वो क्लास की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको बैलेंस करेगा, और मैक्सिमम जो हमारे पास डेप्थ हम बता रहे हैं, ठीक है. तो ये हम बेसिकली उसमें रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के अंदर उस ट्री की डेप्थ को बता रहे हैं कितनी डेप्थ में जाएगा, ठीक है, फर्दर ब्रांचेस, ठीक है. यस सर हर्षित. जैसे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में आर्गुमेंट की जो एंड जॉब है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी मिस किसकी एंड जॉब्स की? एन जॉब्स की? यस, जी डिफॉल्ट वैल्यू भी आई गेस यही होगी, आई हैव नॉट चेक दैट येट, क्योंकि हम जब स्पेसिफाई कर रहे हैं ना उसको कि एन जॉब्स -1, तो बेसिकली हम तभी ये कह रहे हैं कि सारे प्रोसेसेस की यूज करें, और अगर हम नहीं करते इसको स्पेसिफाई तो ये ऑप्टिमाइज्ड वे में करेगा एंड इट कैन टेक मोर टाइम, सो दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस, ताकि मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज हो जाएंगी रैम पे.
ठीक है, जल्दी काम हो. ओके मिस। ओके सो ओके सो इसके नतीजे में होगा क्या, मतलब कि अब मैंने इसमें रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर ये करवा दिया, ठीक है, फिट करवाया, उसके बाद मैंने कहा कि जो फिट है ऑलरेडी मॉडल उसको यूज करना है, और फिर हमने फीचर्स को सिलेक्ट करना है. तो अब इसके नतीजे में यहाँ पे उसने हार्ट डिजीज का जो भी डाटा फ्रेम मेरे पास था, मैंने उसके कॉलम्स इसमें फिर आगे दिए हैं उसको, ठीक. तो बेसिकली ओवरऑल ये करेगा क्या, ये मुझे फिर एक बूलियन एरे देगा, ठीक है, जो गेट स्पोर्ट का फंक्शन हमने यूटिलाइज किया है, ये एक बूलियन एरे देगा जिसमें वो हर फीचर को बताएगा कि क्या ये एसेंशियल है या नहीं, और वो किस तरह से रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर क्योंकि लगाया था उसने, जो टारगेट वेरिएबल है उसके हिसाब से देख के कहना है कि क्या ये फीचर रेलिवेंट है या नहीं, ठीक है. तो जो रेलिवेंट नहीं लगेगा उसे टारगेट वेरिएबल से, तो वो उसको फिर फॉल्स यहाँ पे यानी बुलियन में हमें वो एरे में बता रहा होगा कि हम उसके हिसाब से देख लें, ठीक. तो लेटर हम इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो फिर जो रेलिवेंट है उनको ही चूज करे, बाकियों को निकाल दें, राइट. सो दैट वॉज ऑल अबाउट फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन, ठीक, जो कि हमने सारा काम साइकिट लर्न से ही कर लिया. ओके यस, डिफॉल्ट वैल्यू, ओके थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एडिंग सर हाशिर, कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो नन है, यानी कि यानी वही बात आ गई कि हमने जब स्पेसिफाई नहीं किया तो वो फिर ऑप्टिमाइज्ड वे में चलेगा, वो नन लेगा, यानी कि प्रोसेसेस के बारे में हम कुछ नहीं उसको कह रहे, ठीक. तो जब मैं -1 कह रही हूँ तो दैट मीन्स के जितने अवेलेबल प्रोसेसर्स हैं उन सबको यूटिलाइज कर ले. ऑलराइट, ओके सो अब मैं इसको हम थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं, राइट. तो ये मैंने इसमें हमारे पास एक हार्ट डिजीज का डाटा मौजूद है, अगर मैं इसको देख लूँ कि किस तरह से है, तो इस तरह से हमारे पास कोई कॉलम्स हैं इसके अंदर, ठीक है, जेंडर के, एज के, ये कोई सीपी और इस तरह से कोलेस्ट्रॉल, और काफी उसने कुछ और टारगेट वेरिएबल भी साथ उसने लाइक टारगेट 0 0 आ रहा है कुछ. एनी हाउ ये हमारे पास एक डाटा सेट था हार्ट डिजीज का, ठीक है, क्लीन डाटा सेट है. अब इसमें यानी डाटा क्लीन के जितने स्टेप्स हैं वो सारे हुए होंगे ऑलरेडी, ठीक. तो हमें वो एक क्लीन डाटा ही मिलेगा मशीन लर्निंग के लिए. सो इसके अलावा मैंने इससे पहले जो टेस्ट रेंज स्प्लिट है, नॉर्मलाइजर है, मीन मैक्स स्केलर है, स्टैंडर्ड स्केलर, ये सारे हम लोगों ने पहले ही जो है ना इम्पोर्ट करवा लिए थे एसक्यूएल प्री प्रोसेसिंग से, ठीक. ओके सो अब इसमें जो एज का कॉलम है, जो न्यूमेरिकल एज का कॉलम है, इसको अगर मैं पहले जो अगर उसकी प्लॉट करके देखूं, ठीक, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज हैं, और मैंने यहाँ पे ये जो स्टेप है ये आई थिंक ये मैंने पहले करना था, ये पहले किया था लेकिन उसको बाद में कर दिया ऊपर, सो ये है, इसको रन पहले किया था. सो बेसिकली ये टेस्ट ट्रेन स्प्लिट हुई हुई है, एक्स ट्रेन और ये जो ट्रेनिंग एक्स के जो वेरिएबल है ना, यानी उसके एक्स एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट का, ठीक. तो ये वाला जो न्यूट्रॉन मैंने, मैम, यहाँ फीचर यस जब हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं तो आप उसमें जो स्प्लिट करते डेटा को स्प्लिट करेगा, और बाद में जो है जो ट्रेनिंग डेटा में जो है उसमें टारगेट वेरिएबल उसको शो करेगा, और जो टेस्ट टेस्टिंग में जब आएगा वो टेस्टिंग टेस्ट स्प्लिट में आएगा तो टारगेट वेरिएबल को वो हाइड कर देगा। ये सारा बाय डिफॉल्ट होगा इसमें। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, आपकी आवाज कट रही थी. अभी आ रही है। मैं ये कह रहा था कि ये जब फीचर इंजीनियरिंग करते हैं तो इसमें जो तो ये कोड लगाकर हम टेस्ट ट्रेन स्प्लिट करते हैं तो इसमें दो काम ये बाय डिफॉल्ट करता है। एक तो 80 और 20 में इनको डिवाइड करना टेस्ट ट्रेन डाटे को, और दूसरा टेस्ट ट्रेन डाटे में टारगेट वेरिएबल वो उसको बता देगा, और टेस्ट डेटे में वो जो टारगेट वेरिएबल है वो उसको हाइड कर देगा। ये क्या बाय ओके डिफॉल्ट होगा सारा? नो, ये हम डिफाइन करेंगे उसे क्या टारगेट वेरिएबल है, क्या एक्स है, क्या वाई है, ये हम बताएंगे उसे.
और इसके अलावा टेस्ट साइज भी यहाँ पे मैंने बता, जैसे 20.2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 20:80:20 की रेशियो है। ओके इसमें सो मैम टेस्टिंग डाटा में 20% रखेगा उधर, ये टेस्ट यस योर टेस्ट साइज इज इक्वल टू, और ट्रेनिंग में 80 रखेगा। यस और इसके अलावा ये कि मैंने रैंडम स्टेट भी 42 की हुई है, क्योंकि इसने फिर जो सिलेक्ट करने हैं ना ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए, वो रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, तो हर दफ़ा वो रैंडमली वही सेम रोज को सिलेक्ट करे, ताकि मैं जब री रन करूँ तो तकरीबन सेम मतलब चीज़ मुझे शो होना, यानी ये ना हो कि मैं दूसरों को दिखा रही तो एक्यूरेसी चेंज हो जाए पकड़ के, क्योंकि उसने इस दफ़ा रोज डाटा चेंज कर दिया था, तो इसके रैंडम स्टेट हमें पता है कि ये क्या काम करता है, एक सीड वो स्पेसिफाई कर देता है, हम इससे एक सीड देते हैं, फिर उस हिसाब से वो आके रैंडमली सिलेक्ट करता है, तो इस तरह से मैं जितनी दफ़ा भी इसको रीरन करूंगी तो मुझे वैल्यू सेम ही मिलेंगी, बिकॉज उससे मैंने सीड दे दिया हुआ है, तो रैंडम स्टेट बाय डिफॉल्ट 42 हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। मैम ये जो है 42, ये इसमें यानी कि ये अगर चेंज करेगा भी आंसर जो है हमारा, रिजल्ट चेंज करेगा भी, वो 42 टाइम्स कर सकता है, इसके इससे ज़्यादा दफ़ा नहीं कर सकता, इसका ये भी उत्तर हो सकता है। नहीं आई डोंट थिंक सो, इसमें मैं कह रहा था, नहीं इसमें नहीं कह रहा था कि रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42 लिखा हुआ था ना आपने, उसको अगर जब हम सीड देते हैं तो उसमें वो नंबर तो लिखते हैं ना, कि उसमें चेंजिंग ना आए हमारे जो रिजल्ट में, जो रिजल्ट एक दफा आए वो ही रेट सेम रेट, एम आई राइट? यस तो 42 लिखा हुआ है तो ये इस प्रश्न में क्या हाँ जी, है जैसे वो जैसे हम वो पहले सीड वैल्यू कोई ना कोई पहले वो सैम्पलिंग करते हुए अक्सर हम वो स्पेसिफाई कर देते थे ना, ये सेम वही चीज़ है, लेकिन इसके लिए आर्गुमेंट रैंडम स्टेट का यूज़ हो रहा है, यानी रैंडमली जो सिलेक्ट करेगा उसके लिए सीड वैल्यू मैंने दे दी है 42। जस्ट इट इज, तो इसको हम बाद में देखेंगे, वैसे अभी हमने एक प्रोजेक्ट करना है, मैंने आज वैसे वो करवाना था प्रोजेक्ट, लेकिन मैंने इसलिए थोड़ा सा लाइक मैंने सोचा पहले फीचर इंजीनियरिंग का हम पढ़ लें, फिर उसके बाद हम एक जनरल सा एक प्रोजेक्ट कोई भी लाइक मैं कल एक हम शो मैं शो करवाऊंगी, ठीक है, जब हम वो करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा अच्छा वर्क फ्लो चीज़ों का आइडिया होगा। ठीक, तो अभी के लिए सिंपली जो फीचर इंजीनियरिंग है उस पर रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ना पहले उस जो डेटा सेट था मेरा उस पर मैंने अप्लाई करके पहले मुझे मतलब कि पता क्यों चले, हो सकता है कि जो मेरे पास फीचर है जो मैं दे रही हूँ तो हो सकता है कि उसमें ऑलरेडी वो मतलब कि उसके अंदर वो स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े, वो ऑलरेडी हमारी डिजायर्ड रेंज के अंदर हो, तो ये चीज़ यूजली होती नहीं है, लेकिन अगर है भी है उसको पहले विजुलाइज करने के लिए हमने पहले क्या किया, सिंपली जो एक्सट्रेन से फिर जो एज का कॉलम है उसको यहाँ पे मैंने विजुलाइज करवा लिया हिस्टोग्राम से, हिस्टोग्राम से मुझे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगी, राइट। सो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास रेंज एक तो पता चल रही है एज की, सही, और दूसरा मुझे यहाँ पे इसका ही पता चल रहा है कि इसमें पीक्स कितनी आ रही हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें दो पीक्स आ रही हैं। ठीक है, लेकिन ये मल्टी मॉडल है, यानी इसको ये हम एग्जैक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें मल्टी मॉडल है, इसमें एक से ज़्यादा पीक्स हैं, अगर आप इसको देखें तो ये एक पीक जा रही है, फिर ये पीक जा रही है। ठीक, और इसके अलावा ये कि नॉर्मलाइज ही नहीं है ऑलमोस्ट, लाइक है भी 0 से 1 तक के स्केल में स्टैंडर्डाइजेशन, लेकिन इसमें एक जो सारी कैटेगरीज है वो एक जैसे स्केल में नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, मतलब सारी कैटेगरीज इसमें हमें वेरियस एज रेंजेस मिल रही हैं, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं यूटिलाइज, लेट मी जस्ट वन सेकेंड, इसको मैं री रन करके देखती हूँ। And then we will come here. Okay. So ये है बेसिकली, असल में मैंने वो पहले वाला कोड रन कर दिया हुआ था, तो इस वजह से वो ना 0 से 1 में ही आ रहा था पहले ही। सो ये असल में वो नॉर्मल का देख रहा था, क्योंकि मैंने नॉर्मल वाला इस पे कोड पहले रन किया हुआ था, तो इस वजह से उसने जो है ना मुझे हम पहले जो देख रहे थे कि 0 से 1 असल में वो नॉर्मल वाला था, तो ये ओरिजिनल डाटा सेट के ऊपर मैंने जब दोबारा इसको री रन किया है ना, तो अब ये
हाँ बस ये देखें अब कैटेगरीज आ रही है, यानी वैल्यूज जो है ये कितनी रेंज आ रही है मेरे पास डाटा के अंदर, ये 30 से लेके कुछ 75 या 80 के करीब करीब वैल्यूज है, 75 कह रहे हैं कि ये वैल्यूज है। तो ये रेंज है मेरे पास ओरिजिनल डाटा सेट के अंदर, और इसमें ये मल्टी मॉडल शो हो रहा है कि इसमें एक से ज्यादा पीक रेंजेस भी हैं। ठीक है, मैम, यस। वैसे इस बिन जो हमने हिस्टोग्राम में किए, तो मतलब जिस तरह 30, 40, 50 और 60 है, इस तरह हम इसमें कोई रेंज दे सकते हैं कि मतलब यहाँ पे 30 से 40, 40 से 50, मतलब एक यस, बिन हम हाँ जी हम बिन स्पेसिफाई कर सकते हैं, वी हैव डन दैट। लाइक अच्छा, ये इसमें बिन्स टोटली जो बनाई हुई है ना, उसने बताया हुआ कि कितनी बिन्स होंगी टोटल, तो लेकिन हम ये स्पेसिफाई कर देंगे, अगर हम ये कम ही ज्यादा बनाएंगे तो उतनी ज्यादा बार शो होंगी और उतने ज्यादा ये लेबल्स हो जाएंगे, टिक्स एक्स टिक्स हो जाएंगे हमारे पास। सो यस, और अल्फा वी नो कि हमने इसमें ट्रांसपेरेंसी बार्स की जो है उसको किया हुआ है, यानी ये तो कोड के हम उसमें नहीं जा रहे। तो बहरहाल इसमें हिस्टोग्राम जो है इसमें हमें एक शो हो रही है कि रेंज जो है काफी डाइवर्स है। तो अब मैं इस पे अगर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करती हूँ, तो जो पहले हुआ था नॉर्मलाइज का शो हो रहा था कि 0 से 1 तक के रेंज में जा रहा था, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट। ठीक के नॉर्मलाइज जब मैं करूँ तो ये होना चाहिए सही। तब मैं जो एक्सट्रेन पहले ही किया हुआ है और मैंने इन चीजों को, तो फिर नॉर्मलाइज अब मैं इसको कैसे करूंगी? जी फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा इसमें जो हम नॉर्मलाइजर यूज कर रहे हैं वो एक है, एक इसमें एक एल्गोरिथम है मीन मैक्स स्केलिंग का, तो हम इसमें वो यूज कर रहे हैं। ठीक, तो वो नॉर्मलाइजर मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे स्पेसिफाई कर देती हूँ। ठीक है, कौन सा यूज करना है? ठीक है, तो यहाँ पे इन दिस केस वी आर यूजिंग मीन मैक्स स्केलर। और फिर उसके बाद जो मैंने, क्योंकि इसकी एज के कॉलम पे मैं अप्लाई कर रही थी जो मेरा एक्सट्रेन है, ठीक है, इसके एज के कॉलम में मैं नॉर्मलाइजर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक, तो ये जो नॉर्मलाइजर मैंने ऊपर सेट किया, इसको कॉल करके इसी ऑब्जेक्ट में, लाइक सॉरी इसमें मैं फिर ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ बाकी, तो मतलब कोड भी है जो हमने पहले देखा था, ठीक है, और उसमें फिर ट्रांसफॉर्म करके मैंने इसमें एक्सट्रेन और जो एज है मेरे पास। मिस काइंडली थोड़ा सा जूम कर दी, कोड सही नजर नहीं आ रहा। I'm extremely sorry. I just forgot about it. I think it's not normal. थैंक यू। Thank you for reminding. Okay. So हमने simply उसमें normalizer एक initiate करवा के उसमें apply फिर transform कर दिया है जो मेरा age column मैंने इसमें extreme में लिया था। अगर मैं इसको यहाँ से अभी So, चलें इसी में करके देखते हैं। और इसी तरह से मैंने जो नेक्स्ट हम लोगों ने वही नॉर्मलाइजर अप्लाई करना था कि एज के कॉलम जो टेस्ट सेट में है उस पर भी अप्लाई कर दूं। ठीक है, तो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, इसको ही देख लेते हैं कि डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट एज अपेरेंटली यस। ठीक, तो आई थिंक क्या ये काम करेगा? शुड इट वर्क? लेट्स सी। ओके, तो हमने अपेरेंटली तो इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं आएगा मिस, किसमें, नो जब हम नहीं इसमें नहीं, इसमें जब हम ट्रांसफॉर्म के खाली लगाएंगे, बिकॉज इसमें हम फिटिंग नहीं कर, फिटिंग लाइक वो जो हम फिट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना इसमें, तो बेसिकली हम उसके ट्रेन के लिए यूज कर रहे हैं वर्ड, कि उसको लर्न कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो टेस्ट के लिए हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म का ही वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सो दैट्स अ डिफरेंस। ठीक, और अब अगर इसमें मैंने रन करके देखा है, ठीक है, मैंने तो सिंपल मीन मैक्स स्केलर को जो नॉर्मलाइजर है वो इस पर अप्लाई किया, वी आर एक्सपेक्टिंग करना आउटपुट के जो 0 से 1 की रेंज में हो, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ठीक, वो कहते हैं कि रीशेप योर डाटा इधर यूजिंग रीशेप इफ योर डाटा हैज अ सिंगल फीचर और एरे रीशेप इफ इट्स कंटेन्स अ सिंगल सैंपल। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर एक सिंगल फीचर आप ले रहे हैं, जैसे मैं इस केस में एज का ले रही हूँ, तो फिर हमें मुझे डाटा को भी रीशेप करना है।
एक थोड़ी शिफ्ट करके उसे बताना है कि इसमें एक कॉलम का सारी रोज मैं ले रही हूँ उस इस पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से, तो मुझे यहाँ पे इसको कैसे बताऊंगी मैं, लाइक मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगी डॉट वैल्यूज डॉट रीशेप, और बेसिकली ये मैं ट्रांसफॉर्म के अंडर ही सारा करूंगी, फिर ट्रांसफॉर्म के अंडर ये जो एक्सप्लेन वैल्यूज डॉट रीशेप, और रीशेप के अंदर मैंने से क्या बताना है कि -1 और 1, और ये -1 और 1 में इसमें क्या जो वैल्यूज दे रही हूँ इसका क्या मतलब है। बेसिकली जो -1 है इन रीशेप, इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी सारी जो नंबर ऑफ रोज है ना उस कॉलम के हिसाब से जितनी भी यानी एज के हिसाब से जितनी भी बनेगी वो सारी देनी है, ठीक है। और 1 क्या है, वो इंडिकेट कर रहा है कि एक ही कॉलम वो जो मैंने चूज किया है वही वाला, इसे उसी हिसाब से सैम्पलिंग यानी जो ये इसमें अप्लाई करना है फिर ट्रांसफॉर्म करते हुए नॉर्मलाइजर करना है, ठीक है। तो उसमें ये मतलब मैंने स्पेसिफाई कर दिया इन दिस केस वी यूज इट कि हमने ये जो रीशेपिंग कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ एक ही कॉलम ले रही थी। तो जब भी हम एक कॉलम ले रहे हो, ठीक है, या मैं एक ही सैंपल ले रही हूँ, तो उसमें फिर हमें यहाँ पे वैल्यूज को रीशेप करना जरूरी है, ठीक। तो इस तरह से मैंने -1 और 1 अप्लाई कर दिया। यस सर हर्षित, बस यहाँ पे 1 आप बता रही है कि सिर्फ मैं एक कॉलम ले रही हूँ, सही। -1 का आपने क्या बताया, क्या कर रही हैं आप? ऑल रोज अच्छा, लाइक ओवरऑल रोज में से आप एक कॉलम ले रही है, मतलब -1 ओवरऑल रोज को सेलेक्ट करके उसमें से एक कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। यस तो जब मैं इसलिए वो 1 कॉलम और मैंने क्योंकि मैं उसे बता रही हूँ कि मतलब के ट्रांसफॉर्म कर दो डाटा को इनटू अ शेप कि जिसमें एक कॉलम है और एज मैनी एज रोज पॉसिबल, कि जो मतलब जो ओरिजिनल वे में एलिमेंट है उसके ऊपर अपडेट कर सके। तो बेसिक मकसद ये है कि मैं एक कॉलम और सारी रोज कह रही हूँ उसे, बता रही हूँ कि ये एक कॉलम की सारी रोज देनी है, ठीक है, वरना फीचर्स मैसेज बहुत हमने यहाँ ज्यादा पे है। एक्सप्लेन तक हमने इसको आगे से एज हमने लिख दी इसको अपना एरे में लिख के, तो इतना यहाँ तक काफी नहीं था कि इसको मतलब आगे हमने रीशेप भी करना था। यस क्योंकि हमने रन भी किया ना, तो देखें उसने वैल्यू ऑर्डर दिया है और वो बता रहा है कि हमें अगर मैं सिंगल फीचर दे रही हूँ, ठीक है, तो मुझे रीशेप करने की जरूरत है। ओके मिस कंटिन्यू। यस तो मीन मैक्स स्केलिंग में ये मीन मैक्स स्केलिंग अगर हम यूज करें तो इसमें ये है, ठीक है, जरूरी इस चीज की स्पेशली नॉर्मलाइजेशन में यानी हम करते हुए जब ये कर रहे हैं, तो डॉट वैल्यूज डॉट रीशेप, और यही चीज सेम मुझे यहाँ पे भी जो मैं अपना यूज कर रही हूँ ना एक्स टेक्स्ट उसमें भी लगाऊंगी, क्योंकि दोनों में ही मैंने एक ही कॉलम और सारी रोज को लेना है। ओके सो इट शुड वर्क। डॉट वैल्यूज डॉट रीशेप, ओके हाँ ये मैंने एक एक्स्ट्रा ही डाल दिया, इसी के अंदर ही आ जाएगी ये जो है, यहाँ पे क्लोज नहीं करती इसी में आएगी ना, तो ये डबल डालने के बजाय मैं ही कर देती हूँ। यहाँ पे डबल आएगी ये किस पैरेंथेसिस की, और ये सिंटेक्स एरर था। ऑलराइट सो ओके सो अब ये आ गए मेरे पास। सो पहले जो मेरी ओरिजिनल डाटा की थी वो कुछ ये थी, ठीक है, 30 से 75 समथिंग ये जा रहा है, ठीक, एज रेंज। लेकिन अब मैंने उसमें जो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया, तो नॉर्मलाइजेशन क्या हमें पता है कि यही काम है कि उसने 0 से 1 तक में कर देना, तो उसने 0 से 1 तक के स्केल में कर दिया फीचर को, एज के फीचर को, राइट। तो इस केस में ये हो सकता है यानी अगर फर्स्ट करें मैंने एक से ज्यादा फीचर्स अगर ले रही हूँ, तो ये तो जस्ट हमने एक फीचर पर अप्लाई करके देखा ना कि कैसे काम होता है, ठीक। तो एक से ज्यादा फीचर्स ले रही हूँ, अब किसी की रेंज है 10,000, 100 से 10,000, और किसी की रेंज है एज जैसे कॉलम की 30 से 75, किसी की रेंज आ रही है 0 से 1, 0 से 10, ठीक है, मतलब वो मल्टीपल हो सकते हैं वैल्यूज, कोलेस्ट्रॉल जैसे उसकी
कुछ पॉइंट्स में किस तरह से रेंज हो सकती है, ठीक। तो वो सब जो रेंजेस हैं वो जब मैं एक से ज्यादा फीचर्स जब सारे दूंगी मॉडल को तो वो कंफ्यूज होगा, ठीक है। वो फिर उस चीज में जिसकी रेंज ज्यादा होती है वो उसको समहाउ वेटेज ज्यादा दे देता है, उसको ज्यादा सिग्निफिकेंट समझ लेता है। तो उससे बेहतर है जितने फीचर्स मैं दे रही हूँ उनको मैं नॉर्मलाइज कर लूँ, ठीक है, 0 से 1। स्पेशली जैसे हमने देखा था कि उन पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स में जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं, सेंसिटिव हैं स्केल को लेके, जैसे कि एनएरियस नेबर है या न्यूरल नेटवर्क्स हैं, तो वो उनमें नॉर्मलाइजेशन ही अप्लाई होती है जो कि स्केल से सेंसिटिव भी होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर फिर मैं नॉर्मलाइजेशन पहले करके फिर नॉर्मलाइज डाटा लेटर ऑन मॉडल को दूंगी, ठीक। इसी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब इसी एज के कॉलम में अब मैं स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? वो भी इसी से मिलता जुलता ही है जैसे हमने पहले देखा था, लेकिन अभी यहाँ पे मैं सिंपल स्टैंडर्डाइजर अप्लाई कर दूंगी, यानी इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं, और रीशेप यहाँ पे भी यूज होगा बिकॉज वी आर यूजिंग वन कॉलम, राइट। तो स्टैंडर्डाइजर हमें सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट किया हुआ स्टैंडर्ड स्केलर, राइट। ओके, और इसमें अगेन इसी को कॉल करना है, इसको स्मॉल ही लिख देते हैं बिकॉज वी जनरली डोंट यूज। स्टैंडर्डाइजर, ओके, ऑलराइट। सो अगेन हमने फिर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म किया है ट्रेन और टेस्ट को, और उसमें रीशेप कर दिया वैल्यूज, तो आई दैट शुड वर्क, राइट। तो स्टैंडर्डाइजर में हमने ये देखा कि अब ये कुछ इस तरह से ये मीन के अराउंड जो 0 मीन है उसके अराउंड ये वेरियंस आ रहा है इसका, ज्यादातर वैल्यूज यानी वन वेरियंस में मीन के अराउंड 0 0 मीन के अंदर अराउंड यूज होंगी। तो ये लाइक इस तरह से अगेन इसने फीचर इंजीनियरिंग करके लाइक मतलब फीचर सिलेक्शन फीचर इंजीनियरिंग में ये जो स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन ये दो टेक्निक्स हमने यूज की हैं, और इन दोनों ने क्या काम किया कि हमें रिक्वायर्ड जो हमारे एल्गोरिथम्स की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसे कह लो कि कस्टमाइज कर दिया। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किन मॉडल्स पे अप्लाई होती है, जो मॉडल्स ये अज्यूम करते हैं कि जो फीचर्स हैं वो सारे उनका जो यानी मीन है वो 0 के अराउंड है, ठीक है, और वेरियंस जो है वो सेम ऑर्डर में है, जो फीचर्स है वो सारे मतलब के 0 मीन और वेरियंस 1 है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लाइक मिमिक्री कर रहा हो, ठीक है, 0 मीन और वेरियंस 1। यस यस, हम लोग अब क्योंकि हमारा 8 बजे एक न्यू सेशन भी स्टार्ट हो रहा है पाइथन का, तो अब ऑटोमेटिकली भी जो है ना मीटिंग पूरे 8 बजे बंद हो जाया करेगी, सो वी विल मेक श्योर के हम उससे पहले पहले अपना तकरीबन कर लें। तो आज के लिए बस फीचर इंजीनियरिंग के करना था हमें, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन से देख लें, ये भी हो गया हमारे पास, ठीक। सो इस तरह यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना किसी की? आई होप कि क्लियर हुआ हो कुछ। नहीं मैं क्लियर है सारा। ओके, दैट्स गुड। ओके, सो ये दो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स थे, कल इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू अप्लाई इट इन अ प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी टॉय प्रोजेक्ट भी हो सकता है, लाइक अभी फिलहाल के लिए वो लाइक जस्ट हमने वर्क फॉर समझ रहे हैं, फिर लेटर ऑन हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मे बी कोई भी जो प्री बिल्ड डेटा सेट्स ऑलरेडी पड़े होते हैं इसमें वो ही हम यूज कर लें, राइट। ऑलराइट देन, यस। नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं जब डेटा, तो हर एक को अलग अलग करते हैं, हर फीचर को इकट्ठे नहीं कर सकते ना सब सबको। ओके, सो ये जो है, हाँ, इसको देर शुड बी अकॉर्ड कि हम इकट्ठे भी कर देंगे उसको नॉर्मलाइज, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमने सिर्फ एक को किया, तो अगर इस तरह से यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें वो सारे रहता रहता, लेकिन हम डेफिनेटली कोड में वेरिएशंस आती हैं, सो वी कैन ऑटोमेट थिंग्स, राइट। तो एक से ज्यादा भी होंगे तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें पहले हम देख लेंगे ना प्लॉट करके कि किसको जरूरत है,
राइट, तो कुछ ऐसे ही ऑलरेडी हो जो कि इन पे पूरे उतर रहे हो, सो या जो हमारे से रेलेवेंट ना हो, तो सबको हम अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे. तो जो हमारे से रेलेवेंट है और जो इम्पोर्टेंट है, फीचर्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, उन्हीं पे ही लेटर ऑन अप्लाई कर सकते हैं, मे बी बाय यूजिंग अ लूप और फंक्शन. वैसे मिस देखते हैं हम सारे न्यूमेरिकल डेटा को ही हैं कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं है। यस, ओके मिस। जो भी हमसे रेलेवेंट हो गए, राइट, और जो मैंने उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में फिट करवाने हैं, ठीक है, लाइक उसको देने हैं, फीड करवाने हैं और यूज करने हैं, तो उस हिसाब से एज पर माई नॉलेज. लेकिन अगर इसको मजीद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि अगर इसके कोई रेलेवेंट है कुछ ऐसे. ओके मिस कर लेते हैं। ठीक, चलिए यस, तो और राइट, और जो क्लासेस हैं कितनी रहती हैं, ये वाला क्वेश्चन एक था. तो अभी तो हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं, एक चीजों को लेके चल रहे हैं, तो